इंदौर की नेहा मिश्रा ने मोहक हॉस्पिटल के डायरेक्टर मोहित भंडारी पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। नेहा मिश्रा ने बताया कि उनका वजन 111 किलो था और वजन कम करने के लिए मोहक हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहित भंडारी से ऑपरेशन कराया था, जिसके चलते उनका 31 किलो का वजन हो गया। ऑपरेशन के बाद नेहा मिश्रा की हालत दयनीय होती चली गई। हालत ये है कि नेहा मिश्रा ने पिछले 1.5 वर्षों से अन्न का दाना तक नहीं खाया। दरअसल नेहा मिश्रा ने मोहक अस्पताल में वजन को कम करने के लिए सर्जरी कराई थी, लेकिन सर्जरी ठीक नहीं हो पाई, जिसके चलते लीवर में बैंड चिपक गए। डर के कारण दूसरी सर्जरी कराई गई। सर्जरी डॉक्टर मोहित भंडारी द्वारा की गई थी। वहीं डॉक्टर के द्वारा पतला करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसे में मरीज नेहा मिश्रा ने मोहक अस्पताल पर लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस पहुँचाया, लीगल नोटिस। जैसे मिलना तुरंत फ़ोन गया, अरे नेहा, अरे सौरभ, घर वालों से लड़के क्या करेंगे, आप आओ 5 मिनट के लिए, नेहा को लेकर आओ मिलने के लिए मेरे से। ठीक है, मिलने गए हम लोग, मिलने गए, बहुत मीठी मीठी बातें। मैं इंडिपेंडेंटली तुम्हारे लिए सब करूँगा। मैंने बताया कि मेरा सेपरेशन क्या चल रहा है, मैं मेरी लाइफ के लिए क्या करूँगी, अब मैं इंडिपेंडेंटली सब करूँगा तुम्हारे लिए, हर चीज़ में। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हारा 1 रुपये मत लेना, इलाज कर देना ये। ठीक है, दूसरे दिन हमने उनको सुबह बुलाया, मॉर्निंग में आए उनके साले जी, जिनका नाम है नारद शांतनु, साले आए, बोलते हैं कर देते हैं अपन, आप बोलो आपको क्या चाहिए। 3 पॉइंट गिनाए मैंने उनको, मतलब पहला, मेरा पूरा ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लगा चुकी हूँ। दूसरा, गारंटी आपकी रहेगी, लाइफ में कुछ भी मेरे को होता है तो आप ही इलाज करेंगे मेरा। ठीक है, तीसरा, मैंने बोला मेरी लाइफ की सिक्योरिटी क्या, मेरे साथ कोई आदमी नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा क्या होगा। बोलते बताओ आपको क्या चाहिए। उनने ये फिगर मुझसे कम से कम 100 बार पूछा। जब मैंने उनको बोला मेरे को 50 लाख रुपीज़ आप कम से कम मेरी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए दे दो, कि मैं कुछ एक भाई तो पाल सकूं और मेरे को जीवन भर मेरे को उठाना बिठाना खिलाना पिलाना कर सके, ऐसी कंडीशन में शादी तो कोई नहीं करता। नेहा ने अपनी हालत के लिए डॉक्टर मोहित को जिम्मेदार मानते हुए डॉक्टर मोहित भंडारी से 50 लाख रुपए की मांग भी की थी। दरअसल मोहित अस्पताल में नेहा मिश्रा के 3 ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिसमें करीब 15 लाख रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। इलाज कराते कराते नेहा की माली हालत भी खराब हो चुकी है। अब नेहा मीडिया के सामने अन्य मोटे लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि मोटापे की सर्जरी कराने से पहले एक बार जरूर सोचे। 3 ऑपरेशन उनने करे हैं, क्या बोल के करे, कैसे करे। पहला ऑपरेशन कर दिया, 7 महीने तक कुछ बना नहीं खाते। किन्ने किया है, कौन से हॉस्पिटल की बात है, ये पूरी डिटेल बताइए मैडम। जी, मोहक हॉस्पिटल, मोहित भंडारी, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया पहला, सारी गलत सलाहें देकर। पहला ऑपरेशन करा, मैं 7 महीने कुछ खा पी नहीं पाई हूँ, खा पी नहीं पाई। उसके बाद हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। बोलते कि ठीक है, दोपहर में आपको फ़ोन आ जाएगा, टेंशन ना करें आप, बिल्कुल दोपहर में आपको कॉल आ जाएगा। ठीक है, हम भी थोड़ा सा, हमारे को भी एक आशा लगी, और हमारे को क्या, मेरे को आशा लगी, मतलब चलो मेरे लाइफ का कुछ तो ठीक रहेगा। सडनली उन लोगों की शाम को बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हो गई। मैंने बोला मैं 10 मिनट के अंदर अरविंद आ रही हूँ, मेरे को मिल लो अब सब आके। मोहित भंडारी तो मुँह छुपा के आए नहीं, बिल्कुल आए नहीं वो। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही मैं गई हॉस्पिटल, मिलने नहीं आए मुझसे। उसके बाद बोलते हैं क्या कर लोगे आप लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के क्या कर लोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भी नहीं होता है, कचरा होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मोटापा कम करने के लिए एक ऑपरेशन के बाद नेहा के 3 ऑपरेशन कर दिए, लेकिन नेहा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। नेहा ने पिछले 1.5 साल से अन्न का 1 दाना भी नहीं खाया है, जिससे उसकी हालत और खराब होती चली जा रही है। नेहा ने अभी तक अपने इलाज पर लगभग 15 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। अब आगे उसकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं बची कि वो इलाज करा सके। किस चीज़ का ऑपरेशन आपका करवाना? बैरियेटिक सर्जरी, गैस्ट्रिक बाईपास, दुबले होने का। मेरा वजन था 111। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन करा और सडनली ऑपरेशन के बाद मेरे से 7 महीने में कुछ भी खाया पिया नहीं गया। बोलते होता है धीरे धीरे ठीक होगा, होता है धीरे धीरे ठीक होगा। उसकी पिक्स भी हैं मेरे पास। जैसे ही दूसरा ऑपरेशन दिखाया उनको तो बोले दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लीवर में बैंड चिपक गया। लीवर में बैंड चिपक गया, दूसरा ऑपरेशन। आप तो पेशेंट होते तो फिर करवाना ही पड़ता है। करवाया, उसके बाद स्थिति और जो पानी से जा रही पी रही थी वो भी गई। आपको वीडियो बनाने के देने का बोला, उन्होंने वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद हमने उनको दूसरा ऑपरेशन में बोल दिया था रिवर्स कर दो, हमको कोई सर्जरी नहीं चाहिए। अपने दिमाग से काम करा, वो कर दिया रिमूव बैंड। चलिए ठीक है, डॉक्टर भगवान है अपने लिए। तीसरा ऑपरेशन 26 सितंबर को करा, रिवर्स कर दिया ऑपरेशन। इंदौर का मोहित अस्पताल हमेशा चर्चा में बना रहता है। पहले भी इस अस्पताल में ऐसी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है जिसको लेकर मरीजों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मोटापा कम करने की सर्जरी के मरीजों से मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन कई बार मरीजों के ऑपरेशन फेल हो जाते हैं और अस्पताल प्रबंधक से विवाद की सूचनाएं आती है। मैं ये चाह रही हूँ मोहित भंडारी से, आप समझ सकते हो, सबसे पहले तो मैं अच्छा ट्रीटमेंट चाह रही हूँ कि मैं पूरी ठीक हो जाऊँ, है ना। अब इस बार मेरा अगर चौथा ऑपरेशन होता है, मेरे पेट में ऑलरेडी 40-45 टाँके हो गए, तो पेट की कंडीशन ख़त्म हो गई है। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ अच्छे से पूरी, उसके बाद वो मेरी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए तो दे। फिलहाल का ताज़ा मामला मरीज नेहा शर्मा का है, जिन्होंने मोहित अस्पताल के डॉक्टर मोहित भंडारी पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। नेहा ने बताया कि इसके लिए उन्होंने मोटी रकम इलाज के नाम पर वसूली है, लेकिन बीमारी में कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा वो 1.5 साल से खाना भी नहीं खा पा रही है। नेहा ने डॉक्टर से 50 लाख रुपये की मांग भी की है। डॉक्टर मोहित ने एक सर्जरी के बाद एक के बाद एक 3 सर्जरी कर डाली। नेहा ने बताया कि सर्जरी के बाद लीवर में बैंड चिपक गए हैं, जिससे लीवर ने ठीक से काम करना बंद कर दिया है। नेहा ने अस्पताल को लीगल नोटिस भी भिजवाया है। उसके बाद स्थिति आज ये कि 3 महीने से डायपर पे हूँ, पूरे बॉडी में पीछे गठाने हो चुकी हैं, पक चुकी हैं, ब्लडिंग बॉडी में बची नहीं है, पॉटी में ब्लडिंग होती है, पूरी स्किन ऐसी हो चुकी है कि मतलब किसी लायक बची नहीं, हेयर फॉल पूरा कंप्लीट है। ये सब कुछ नहीं बताया गया था। वजन 31 किलो बचा है, इसके अलावा वजन है नहीं मेरा, और बहुत कुछ मतलब इतना बॉडी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि बस नहीं।